जनपद संभल के असमोली पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिल गई जब असमोली थाना प्रभारी रणवीर सिंह फोर्स के साथ शाहबाजपुर को जाने वाले रास्ते पर चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने सेंट्रो कार में सवार लोगों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हो गया और बदमाश के पैर में भी गोली लगी है। दोनों लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि घायल बदमाश के 3 अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए थाना पुलिस के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा जंगल में कॉम्बिंग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि थाना पुलिस ने सेंट्रो कार सवार 4 लोगों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 3 लोग तो मौके से भाग गए और एक बदमाश तबारक जो थाना असमोली का रहने वाला है वह घायल हुआ है और एक सिपाही घायल हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल तबारक पर पहले से ही गुंडा एक्ट जिला बदर की कार्यवाही की गई थी जिसमें वह फरार चल रहा था। बरामद कार से गाय काटने के उपकरण तथा अन्य हथियार बरामद हुए हैं। ये थाना असमोली के अंतर्गत शहबाजपुर जाने वाले रास्ते पर आज पुलिस के साथ में एक अपराधी की मुठभेड़ हुई है। ये 25,000 का इनामी है, इसका नाम तबारक है, थाना असमोली का रहने वाला है। ये यहाँ से जा रहा था, जब चेकिंग के दौरान इसको रोका गया तो इसके पास में ये सेंट्रो गाड़ी है, इसमें 3 और अपराधी थे जो यहाँ से फरार हो गए हैं। इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें गाय को काटने के और उस तरह के हथियार यहाँ पे इनके पास में मिले हैं, बरामद हुए हैं। इसकी तरफ से फायर किया गया तो जवाबी फायर में पुलिस की जो जवाबी फायर हुआ उसमें इसके पैर में गोली लगी है, एक हमारे सिपाही के भी गोली लगी है। दोनों ही जो घायल हैं उनको अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। आसपास के एरिया में कॉम्बिंग कराई जा रही है। जो भागे हुए 3 अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम था, पहले भी इसके ऊपर CS एक्ट और NDPS एक्ट में ये नामित रह चुका है। इस समय वांछित चल रहा था, आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है, आगे आप लोगों को सूचित किया जाए।